एक तरफ जहां यातायात को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सो चौधरी अपने पदाधिकारियों को नए नए सबक देते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते भागलपुर के ही पुलिस कर्मी दिख रहे हैं। भागलपुर शहर के बीचों बीच भावना होटल के समीप जाम तब लग गया जब पुलिस कर्मी ही अपने चार चक्का वाहन से मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे। इसी दौरान एक ही स्कूटी पर सवार माँ बेटी बैठे हुए थे, इसे ठोकर मार दी गई। हालांकि स्कूटी वाले युवक किसी तरह संभल गए, लेकिन घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्कूटी चालक तेजी से नीचे उतरे और किसी तरह अपनी जान बचाई, साथ ही उसकी माँ भी उसी स्कूटी पर थी। उसने कैमरे के सामने कहा कि पुलिस वहाँ जा रही थी और उसके जो चालक थे वो मोबाइल पर बात कर रहे थे। हम पीछे से हॉर्न बजा रहे थे लेकिन वो मोबाइल पर बात कर रहे थे। जब उनसे यह बात कही तो वो बोले सर का कॉल आएगा तो मैं बात करूंगा ही। अब सवाल यह उठता है कि यातायात के नियमों में ऐसी क्या बातें पुलिस के लिए नहीं है जो वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस पुलिसकर्मी पर पुलिस विभाग क्या संज्ञान लेती है। क्या कर रहा था? कब से फोन चला रहा है ये? और इसको हम और ये दोनों हॉर्न देते आ रहे हैं और ऐसे ऐसे काटता है ये तब से। रुके थे, फोन चला रहा था कि नहीं? बीस फरवरी को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना के गंगादेरा में मक्का की खेती को लेकर विवाद में फायरिंग की सूचना भागलपुर पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक नगर एवं स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंची और घटना की छानबीन की। मामले में गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक की निगरानी पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में नाथनगर बरारी औद्योगिक प्रक्षेत्र इस्माइलपुर प्रवत्ता थाना CIAT टीम एवं STF की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार युवक में गुटरंग मंडल और कुंदन मंडल शामिल है। गोली चली रहे सर, हमरा से जगह जमीन छे गोलियों चलाए छे और रिपेटा रिपेट भी कर समुचा कागजात देखी लो जाए दोनों पार्टी रो कागजात कर देखी सुनी करी के निर्णय करी दिलो जाए। आजो गोली चल रहे? हाँ हाँ, कह रहा हूँ गोली चला है वहाँ सब आ जाए ले दो चार राउंड पाँच राउंड लेकिन स्वयं पाँच राउंड जमीन छो हाँ हाँ हम के चल रहा है पार्टी सब चले नाम बताबो ना गणेश यादव सुशील यादव और वो दल बल विवाद की छे? विवाद कुछ नहीं छे, जमीन और हमरा सिंह के तैनात करी लो जाए जे निर्णय छे कागज पत्र देखी लो जाए दोनों पार्टी से कागज मंगवेलो जाए। खसरा पार्टी की कहे छ? जमीन हमरो छ मेरा है जबरदस्ती। अच्छा, जमीन आखिर केकरो छ? मेरा जमीन हम कितना है टोटल जमीन? 800 बीघा जमीन है। तो पहले भी केस का सुना इसको लेकर के? हाँ हाँ, यही पार्टी लोग छोड़ता है और बदनाम। की नाम जगह तरह? लक्ष्मण जाने। क्या करते हैं आप? खेती है गृहस्थी। इसके पहले जो गोली चला था वो आप ही? कौन गाँव पर? कौन इलाका पड़े? मेघाजान। मेघाजान पड़े ना? हाँ, मक्खू जान। अभी पुलिस गेलो वहाँ? हाँ पुलिस गेलो। पहले जो गोली चला था एक महीना पहले वो भी आप ही के जमीन लेकर था? हाँ सब जमीन सबका गाँव वाला।
अगर आप विभिन्न तरह की 100% शुद्ध मटन डिश का मजा लेना चाहते हैं तो भागलपुर की दक्षिणी क्षेत्र स्थित अलीगंज में देसी मटन रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन हो गया। दुकान का विधिवत उद्घाटन प्रोप्राइटर रमन कुमार के साथ उनके पिता गोपाल प्रसाद पुद्दार एवं माता धर्मशीला देवी के द्वारा किया गया। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यहां के लोगों को मटन खाने के लिए शहर में जाना पड़ता था, लेकिन अब लजीज मटन का स्वाद देसी मटन रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। काफी उत्तम क्वालिटी के साथ यहां आपको किफायती रेट में एक से बढ़कर एक मटन डिश उपलब्ध कराया जाएगा। देसी मटन रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर रमन पुद्दार ने कहा, हमारे रेस्टोरेंट में नॉनवेज के साथ वेज प्लेट भी ग्राहकों को परोसा जाएगा। इसके साथ ही ग्राहक विनोद कुमार ने कहा कि यहां का मटन खाने के बाद ऐसा लगा कि घर का ही बना हुआ मटन का स्वाद ले रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर मृत्युंजय कुमार, विनोद कुमार, रायस पुद्दार सहित कई शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। यह दक्षिणी क्षेत्र जो मेरा था, यह यहाँ पर के लोगों को मटन के लिए, बाकी नॉन वेज के लिए, वेज के लिए बहुत ही मतलब परेशानी करके पुल पार करके जाना पड़ता था। तब मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ लाभान्वित किया जाए, तब फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि एक देसी मटन का रेस्टोरेंट खोला जाए। और पूरे भागलपुर के वासियों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि एक बार अवश्य मौका दें, यहाँ पधारें, उसके बाद अपना एक बार अपना रिव्यू दें ताकि हम कुछ ना कुछ इससे और बेहतर कर सकें। डिस्काउंट मिल रहा है क्या अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कब तक? पिछले अगले 2 महीने तक। बहुत अच्छा लगा कि दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा चंपारण के जोड़ में आपको मटन दुकान खुला है, जहाँ बहुत स्वादिष्ट और देसी तरीके से और शुद्ध खसी का बनाया जाता है, और वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से सेवा आपका किया जाएगा। और आप एक बार अवश्य पधारें और यहाँ का स्वाद का आनंद लें। हम चाहेंगे कि सारे लोग एक बार जरूर मौका दें, ताकि इनको रमन भाई का जो खुला हुआ है मटन दुकान, बहुत ही अपना चाह और देसी के तरीके से बना करके बेचते हैं, और इसमें आप एक अलग आनंद लेंगे और अच्छा स्वाद का अनुभव करेंगे एक बार अवश्य। कितना जरूरी था इधर दक्षिणी क्षेत्र में? बहुत जरूरी था, क्योंकि अलीगंज क्षेत्र में इधर बायपास छोड़ करके बाकी कहीं जगह पे नहीं था, और ये सेलबाग आपका अलीगंज महेशपुर और आपका डीवीसी कॉलोनी आनंद कॉलोनी जो जितने भी लोग हैं यहाँ सब लाभान्वित होंगे, आसपास के क्षेत्र को आसान पड़ेगा और यहाँ उपलब्ध हमेशा रहेगा, उनको कोई किसी दिक्कत नहीं। मैं मृत्युंजय कुमार। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में 10 बजे स्कूल संचालित करने का आदेश दिया था, लेकिन के पाठक अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसे में राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार बीजेपी की प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा है के पाठक को मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करना चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार ने शिक्षक और बच्चों के हित में फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों और बच्चों के हित में फैसला लिया है, मुख्यमंत्री के इस आदेश का अनुपालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री के फैसले को किसी भी हालत में अधीनस्थ अधिकारियों को मानना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो अभी निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा और माननीय नीतीश जी ने जो आदेश जारी किया है, जो उन्होंने कहा है, उसी बात को उनके अधिकारी पालन करेंगे यही यथोचित प्रतीत होता है। और के पाठक जी यदि इससे अलग हटकर कोई फिर से दिशा निर्देश जारी करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर सरकार संज्ञान लेगी, क्योंकि जो भी निर्णय होता है वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप और जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप और जो विधि सम्मत होता है ऐसे ही निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। और ऐसे जबकि समय में हर तरफ से विरोध हो रहा था सरकारी स्कूल के स्कूली टाइमिंग को लेकर, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेकर और उस टाइमिंग को बदलकर 9 से 10 किया,
और अब जबकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि के पाठक जी ने फिर से इसको बदल दिया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने गलत किया है और सरकार इस पर निश्चित ही संज्ञान लेगी। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग की अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर बिहार कौशल विकास मिशन संकल्प योजना के अंतर्गत भागलपुर में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर में आयोजित की गई। इस नियोजन मेला में राज्य के सभी जिले के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं बायोडाटा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के साथ छात्रों की भीड़ सुबह से देखी गई। इस एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला में अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर इकाई की सहायक निदेशक नियोजन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है जो बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं वो कहीं न कहीं व्यवस्थित हो जाएं और आर्थिक रूप से मजबूत हों। ये संकल्प के द्वारा आयोजित है और ये श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय नियोजन शिविर है, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि 10 कंपनियों के द्वारा करीब 200 से अधिक रिक्तियों को दिया जाए और ये कोशिश किया जाए कि इसमें भागलपुर में ही रोजगार दिया जाए, तो स्थानीय नियोजकों को ही इसमें बुलाया गया है। साथ ही साथ आज स्टडी किट और टूल किट का वितरण किया गया, तो जो लोग NCS पोर्टल पर निबंधित हैं उनको नियोजन मेला में भाग लेने की भी सुविधा है। साथ ही साथ अगर उनका निबंधन 1 साल पुराना है तो स्वरोजगार के लिए हम लोग उनको टूल किट दे रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग उनको स्टडी किट भी दे रहे हैं। और एक योजना है जो अगले साल भी जारी रहेगी, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में NCS पोर्टल पर निबंधन करवाएं और सरकार के द्वारा आयोजित इस तरह के नियोजन मेले में और सरकार की योजनाओं टूल किट और स्टडी किट जैसे योजनाओं से लाभ उठाएं और साथ ही साथ कौशल विकास की भी जो योजनाएं हैं उसमें भी प्रतिभागी बने। नौगछिया के इस्माइलपुर हटिया बाजार में 24 जनवरी को गांव के ही मनोज मंडल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा है। इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया है। SDPO ओम प्रकाश ने बताया कि जांच के लिए बनी पुलिस टीम ने खगड़िया जिला के चौथम थाना क्षेत्र की पटेल नगर से नामजद अभियुक्त टुन्ना यादव टुनटुन यादव को गिरफ्तार कर लिया। टुन्ना पर पहले से 8 मामले इस्माइलपुर में दर्ज है, जिसमें हत्या सहित आर्म्स एक्ट के मामले भी शामिल है। मृतक के परिजनों द्वारा ने बताया गया था कि रंजिश के कारण मौज मंडल की हत्या की गई है। SDPO ने कहा कि अन्य 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दिनांक 24/21 को नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस्माइलपुर थाना है, उसी में इस्माइलपुर हटिया में मनोज मंडल, जिनकी उम्र 46 साल है और उनका घर भी इस्माइलपुर में है, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। जिस संबंध में उनके परिजन के द्वारा 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड संख्या दर्ज करा गया था, जो इस्माइलपुर थाना कांड संख्या 624 है और जगन हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय नौगछिया के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इसी संबंध में थानाध्यक्ष इस्माइलपुर को सूचना मिली अभियुक्त के ठिकाने की। उन्होंने खगड़िया जिला में चौथम थाना रेड करके उसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें अन्य और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। अभी जो गिरफ्तार किए गए उनका नाम है टुन्ना यादव और टुनटुन यादव, जो गांव फुलकिया इस्माइलपुर थाना इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। इनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है, जो पुरुष से 8 केस है और छापामारी दल में जो सदस्य हैं जो नेतृत्वकर्ता के साथ अन्य सदस्य। विश्व मातृभाषा दिवस के मौके पर भागलपुर की जिला परिषद सभागार में सार्वजनिक अभिनंदन सम्मान समारोह और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के कई शिक्षाविद को कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कवि ने कविता के माध्यम से मातृभाषा के महत्व के बारे में बताया। शिक्षाविद ने मातृभाषा को अपने जीवन में उतारने और कविता के माध्यम से समाज को जागृत करने का माध्यम बताया। ये मातृभाषा दिवस पर हम लोग प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं और दिल्ली में भी करते हैं, तो इस बार हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कि भागलपुर अंग की धरती पर कर्ण पुरस्कार से वैसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए जिनका अंग प्रदेश में कुछ न कुछ योगदान है, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो अपनी अपनी विद्वता जाहिर कर चुके हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और हमारा मकसद है कि अंगिका क्षेत्र की साहित्य और संस्कृति को
पूरे देश भर में प्रचार प्रसार करना और अंग जन गण की का निर्माण की स्थापना दिल्ली के सभी अंगिका क्षेत्र के विद्वान साथियों के द्वारा हुआ। उसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हम लोगों की शाखा गुजरात में है, वहाँ भी कार्यक्रम, पंजाब में है, हिमाचल में है, पूरे देश में हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। और सबसे पहली बात ये होती है कि अंगिका शुरू से उपेक्षित रही है। अंगिका एक ऐसा भाव है, भाषा है, और हमारी भावनाओं, समृद्ध भावनाओं की उपज भाषा है, जिसे आज तक किसी ने प्रमोट नहीं किया। इसे भोजपुरी या तो मिथिला के द्वारा दबा दिया गया या दबा रहा, लेकिन अब अंगिका के विद्वान साथी एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, और भागलपुर में एक से एक अंगिका के विद्वान हैं, साथी हैं, और हम लोग दिल्ली स्तर से ले कर पूरे देश भर में अंगिका प्रेमी, अंगिका वासियों को एकजुट कर हर साल कार्यक्रम करते हैं और अंगिका के विद्वान साथियों को सम्मान देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर मंडल है, मैं अध्यापक हूँ और संप्रति गांधी विचार मंच का भी संयोजक हूँ, और हम लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है।